वर्ल्ड कप से पहले जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ को हराना, जैसे कि कई और इंसिडेंट जिससे कि ऐसा लग रहा है कि नेपाल की किस्मत बदल रही है, नेपाल की किस्मत अच्छी हो रही है। और आज जो यहाँ पे फैसला आया है कोर्ट से, वो तो इतनी ज़्यादा खुशी दे रहा है जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे संदीप लामिछानी के बारे में, जो कि अभी यहां पे क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी आपने कई न्यूज़ देख ली हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, बिकॉज उनका जो बेल का ऑर्डर है वो आ चुका है और किस तरह से उन्हें यहाँ पर रिहा किया गया है, ये सारी बातें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, याद होगा वो दिन जिस दिन एक कहर भरा था यहाँ पे 2023 में, उस दिन सभी शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक रेप केस के मामले के अंदर संदीप लामिछानी को यहाँ पे सजा का ऐलान कर दिया गया था। उससे पहले कई बार यहाँ पे रेप की वो तारीखें पड़ी, और जो जिला न्यायाधीश है, एकल हम कह सकते हैं न्यायाधीश पीठ के अंदर, एक साल लगा दिया उनके फैसले को सुनाने में। उससे पहले वो कई मैचेस भी खेले, कई बार उन्हें रिग्रेट भी करना पड़ा, कई बार उन्हें यहाँ पे समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, और फाइनली डिसीजन भी ये आया कि वो आरोपी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं मुश्किल समय था वो 2023 का दिसंबर का महीना, मुझे याद है जिस समय मैं वीडियो बना रहा था आफ्टर इस डिसीजन के, और काफ़ी ज़्यादा मायूस था कि क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा था कि जब तक फैसला ना आ जाए, जब तक आप किसी भी डिसीजन पर ना जाइए, लेकिन मेरे अंगेस्ट ही या फिर मैं जो सोच रहा था उसके अंगेस्ट फैसला आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन फाइनली यहाँ पे बलात्कार के आरोपी, जो आरोप था, मैंने कहा था आरोप अलग चीज़ होती है और उसे सिद्ध करने के बाद अलग चीज़ होती है। संदीप लामिछानी को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में नेपाल के लिए खेलेंगे या नहीं, ये बात की बात है। पाटन उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेपाल की स्टार लेग स्पिनर संदीप लामिछानी को काठमांडू जिला न्यायाधीश न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ जो मुकदमा था उसमें निर्दोषी पाया गया है। लामिछानी ने 18 वर्षीय महिला के बलात्कार के आरोप में 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब वह समूह में क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। T20 विश्व कप 2024 के लिए वेस्टइंडीज और USA की यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे पहले एकल न्यायाधीश पीठ ने लामिछानी को यहाँ पे पीड़ित को जो 2 लाख रुपए देने और मुआवजे के रूप में और 3 लाख रुपए का जुर्माने का आदेश दिया था। हर आरोप झूठा होने के कारण लामिछानी को कोई मुआवजा अब नहीं देना होगा। नवीनतम यहाँ पे विकास के साथ आगे चलना होगा, और लामिछानी आगामी जो शोपीस इवेंट है उसमें अपनी वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। विश्व कप में नेपाल का सफर 4 जून से यहाँ पे नीदरलैंड के खिलाफ शुरू होने वाला है, उसमें क्या रहेगा, क्योंकि नेपाल को बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्रुप डी के अंदर रखा गया है, और इसके लिए एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हम बात बार बार कर रहे थे कि संदीप लामिछानी की जगह का क्या कोई ले सकता है, लेकिन अब जरूरी भी नहीं है क्योंकि वो खुद आ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन है, क्योंकि जो बदलाव की तारीख है वो इस महीने की लास्ट तक है, तो आप सोच सकते हैं उस बदलाव के बारे में कोई भी एक आध बदलाव करना चाहते हैं टीम के अंदर, जो आपने 15 रखे हैं उसके अंदर, तो आप उसे संदीप लामिछानी को वो जगह दे सकते हैं। वहीं पे हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की एक बैठक कर संदीप लामिछानी का निलंबन हटाने और उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा करी जा रही है, और ICC की मंजूरी के बाद ये फैसला अंतिम होगा कि जो संदीप लामिछानी है वो यहाँ पे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बिकॉज अभी तक ये तो नहीं है कन्फर्म कि वो खेल रहे हैं, बिकॉज अभी वो अपनी टीम के अंदर जो 15 मेंबर होते हैं उसका हिस्सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अभी वो वर्ल्ड कप के लिए ज्वाइन नहीं करा है, लेकिन ये संभावनाएं पूरी यहाँ पे जमकर परसेंटेज रखती हैं कि वो खेल सकते हैं, क्योंकि जो ICC के रूल्स है उसके अनुसार भी हम अपने टीम के अंदर बदलाव कर सकते हैं, और अगर करें यहाँ पे टीम के अंदर बदलाव और ICC इस चीज़ को मंजूरी देता है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो संदीप लामिछानी है वो खेल सकते हैं। आप में से कौन से लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि संदीप लामिछानी खेले, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले।